350 स्ट्राइक होने से कल सब्जी आएगा नहीं आएगा उसको कोई गारंटी 75% सब्जियों गाड़ी प्रभावित 400 मंडी के अंदर जो है। और थोक में क्या था भैया? हेलो दोस्तों, मैं हूं केएस और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो हम आ चुके हैं फिर से रायपुर मंडी और आज देखते हैं रायपुर मंडी में क्या क्या सब्जी आया हुआ है। वैसे तो आज ड्राइवरों का धरना है तो देखते हैं, अंदर में चलते हैं और क्या प्राइस है वो देखते हैं। आज है 2 जनवरी 2024 और दिन है मंगलवार, तो चलिए चलते हैं और देखते हैं। वैसे आज थोड़ा सा खाली खाली लग रहा है मंडी और सुबह टाइम है, अभी 7:30 हुआ है। देखते हैं आज महंगा है कि सस्ता है। ये मटर दे रहे हैं, अलग अलग रेट खुला हुआ है। आज 30 रुपये, 28 रुपये, 35 रुपये है। रांची मटर 35 है, एक नंबर जो है, और ये 30 रुपये दे रहे हैं। और 28 रुपये दे रहे हैं ये सादा मटर जो है, 28 रुपये दे रहे हैं। थोड़ा सा महंगा है आज, तो चलते हैं आगे देखते हैं। और इस बार मुनगा है वो खुला हुआ है 55-45 खुला हुआ है। मुनगा तो रेट जो है कम ही है। ये है आलू का रेट, उतना ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं है। आलू दे रहे हैं 800 रुपये दे रहे हैं पहाड़ आलू, वो 70 रुपये बढ़ गया है। और ये है 25 रुपये, 26 रुपये दे रहे हैं प्याज, ये भी 2-3 रुपये बढ़ गया है। और आलू ये वाला है, नया आलू है, 14 रुपये दे रहे हैं। चलिए चलते हैं और देखते हैं। और वैसे तो आज बहुत ही ज़्यादा खाली है मंडी जो है, और सामान ज़्यादा तो आया हुआ नहीं है। ट्रक तो बहुत ही कम आया हुआ है, 2-4 बस गाड़ी लगा हुआ है और ये ढेस आया हुआ है। बाद में पता करते हैं, ये करीबन होगा 30-35 के आसपास ही होगा ढेस जो है। ये लाल भाजी आया हुआ है वो दे रहे हैं 30 रुपये, 40 रुपये दे रहे हैं लाल भाजी जो है। और देखते हैं आगे, और यहाँ भी एक ही गाड़ी बस आया हुआ है, गाजर गाड़ी, जो लोडिंग हो चुका है वही गाड़ी बस आया है और बाकी गाड़ी तो आया हुआ नहीं है, पूरा खाली है मंडी। और ये लक्ष्मण भैया से पूछते हैं गाजर का रेट जो है क्या दे रहे हैं। लक्ष्मण भैया आज गाजर क्या दे रहे हैं रेट? गाजर 20 रुपये किलो। और गोभी? गोभी तो 25 रुपये किलो, 250 रुपये पन्नी। आज गाड़ी एक भी नहीं आया है, कुछ भी नहीं आया है। और कल तो खराब रहेगा स्थिति दिख रहा है, कल शायद मंडी में बहुत ही कम आएगा। आज तो कुछ कुछ आ ही गया है, आज जो है सब्जी वगैरह जो लोडिंग हुआ था। और ये है भाई, चलते हैं आगे और देखते हैं। यहाँ आया हुआ है आलू गाड़ी है, यहाँ रेट क्या खोलेगा वो देखते हैं। ये शायद रेट अभी खुला हुआ नहीं है। भैया के यहाँ दे रहे हैं 11 रुपये दे रहे हैं, और ये है गुरुकृपा यहाँ का है। रेट तो आलू का कम ही है, और अदरक पूछते हैं, मिर्ची, धनिया तो आज दिख ही नहीं रहा है मार्केट में। धनिया, लोकल धनिया आ सकता है, और बाहर वाला तो धनिया बिल्कुल आया हुआ नहीं है। पहले अदरक दिखा देते हैं आपको, ये है साइज़ जो है अदरक का, काफ़ी अच्छा लग रहा है अदरक जो है। और रेट क्या खुला है वो देखते हैं, पूछते हैं रेट क्या है आज, शेर से पूछेंगे। क्या आज क्या रेट खुला है सेठ? 5,600 रुपये, उतना ज़्यादा बढ़ा हुआ तो नहीं है, लेकिन गाड़ी एक ही बस आया हुआ है, वो भी लगभग ख़त्म होने वाला है। और मिर्ची वगैरह तो आया हुआ नहीं है, तो चलते हैं आगे और देखते हैं। शायद आज मिर्ची थोड़ा सा महंगा रहेगा, वो आया हुआ था शायद बिक गया है, बाद में पता करके आपको बता देंगे। और ये है भाई लोग भी खाली पीली बैठे हैं, सामान वगैरह ले नहीं रहे हैं अभी, तो चलते हैं। यहाँ जो है मिनी होल सेलर है, इनके पास तो सामान तो है, वैसे लोकल सामान है ये भी है, रेट जो है बाद में देखेंगे, सबसे पहले आगे चलते हैं।
और ये आया हुआ है भिंडी है 40 रुपए दे रहे हैं, बाहर वाला भिंडी है, और मुनगा दे रहे हैं 60 रुपए है लगभग लगभग सभी यहाँ जो है, और उस पार थोड़ा सा कम है 45 रुपए और 55 रुपए है, दो रेट जो है दे रहे हैं। और वैसे तो और सब्जी में क्या बनाए वो समझ में नहीं आ रहा है, खाली है पूरा मंडी। और ये भी दैनिक भास्कर वाले भी आए हुए हैं आज मंडी में जो है रिपोर्ट करने के लिए। और टमाटर वगैरह तो ये है सब स्टॉक में रखे हुए हैं। चलिए चलते हैं और देखते हैं आगे। और 420 रुपये दे रहे हैं, वैसे तो टमाटर जो है 2-3 रेट जो है खुला हुआ है, 350 भी दे रहे थे लेकिन हल्का माल था वो वाला, ये 400 रुपये 450 रुपये, और ये वाला जो है 420 रुपये दे रहे हैं। और अगर आ गया टमाटर तो बोली होगा वो भी कम नहीं जाएगा, करीबन जो है लगभग लगभग आगे ही जाएगा। और चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं, तो मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए मेरा चैनल जो है, और आपको दिखाते हैं क्या रेट है, और पूछ लेते हैं लौकी पूछ लेते हैं क्या रेट है। 100 रुपये दे रहे हैं लौकी जो है, 10 रुपये किलो पड़ेगा आपको। तो चलिए चलते हैं और आगे देखते हैं। और यहाँ मतलब बिजली की सब्जियाँ गाड़ी आती थी, ये 75% सब्जियों की गाड़ी प्रभावित हुई है, सिर्फ 25% अभी रायपुर में गाड़ी आ रही है। इसके अलावा कितनी महंगाई हो रही है क्या दिक्कत? ये हड़ताल के कारण लगभग दुगुना से तिगुना रेट हो गया है सब्जियों का। मैं उदाहरण आपको बताता हूँ, 2 दिन पहले टमाटर हरी मिर्च थोक में 20 रुपये किलो था, थोक में 60 से 70 रुपये किलो हो गया, जिला में 4 रुपये किलो बिक रहा था। और सभी सब्जियों का यही हाल है, मटर जबलपुर से आता है 20 रुपये किलो मटर बिकता था और आज 40 रुपये किलो हो गया। कितनी गाड़ियाँ आती थी रोजाना, अभी कितनी गाड़ी पहुँचा? रोजाना हमारे पास मंडी में तो रोजाना 70 से 80 गाड़ियों की आवाज होती थी और आज हो गया सिर्फ 15 से 20 गाड़ियों की आवाज। कितनी दिक्कतें होंगी मेरे सुधरी नहीं चीज़ें? अगर स्थिति नहीं सुधरी तो आगे और गंभीर संकट हो सकता है। इससे होगा ये कि थोक में रेट बढ़ रहे हैं तो चिल्लर में भी रेट असामान्य रूप से बढ़ेगा ही, क्योंकि अभी हमने आते समय देखा डीजल और पेट्रोल की त्राही त्राही मची हुई है, तो बिना डीजल पेट्रोल की गाड़ियाँ चलेगी नहीं, आवक होगी नहीं, तो निश्चित ही रेट बढ़ने हैं। आज रेट क्या है, आज क्या रेट है भैया? आज ऐसा है कि गाड़ी के हैं 2 साल को भी 350 हो गया है, और भाटा वाटा का रेट बहुत महंगा हो गया, माल बाजार आया नहीं है और रेट थोड़ा चढ़ चुका है, इसलिए आज जो भी रहेगा बाजार थोड़ा चढ़ पोजिशन में रहेगा। और स्ट्राइक होने से कल सब्जी आएगा नहीं आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, तो बाजार थोड़ा उछाल रहेगा। ऐसा मैं संभाग ना वीडियो बना के, और ये है इनके यहाँ जो सब्जी आया हुआ है, और चलते हैं देखते हैं। वैसे आज थोड़ा सा वीडियो बनाने पर भी थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि ये रेट जो है सभी के यहाँ जो है ऊपर नीचे हो सकता है, रेट जो है ऐसा नहीं है कि फिक्स रेट रहेगा, हो सकता है कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है रेट जो है, तो आज जो है ज़्यादा वीडियो तो नहीं बना पाएंगे। और अभी केवल लोकल सामान जो आ रहा है उसी का बस वीडियो बना पाएंगे। वैसे तो आज जो है शिमला वगैरह दे रहे हैं 450 रुपये दे रहे हैं, भाटा वगैरह जो है वो दे रहे हैं 400 रुपये दे रहे हैं, भाटा जो है 14 किलो का आएगा और शिमला जो है 10 किलो का आएगा, और साथ में आपको देखने को मिल जाएगा मटर जो है वो भी 2-3 रेट में जो है खुला हुआ है, 28 रुपये है सादा मटर जो है, और 35 रुपये दे रहे हैं, 30 रुपये दे रहे हैं, 2-3 रेट जो है उसका भी खुला हुआ है, और वाइट भाटा जो है 800 रुपये दे रहे थे 15 किलो का। और लोकल में चलते हैं देखते हैं और लोकल क्या रहेगा आज जो है, तो चलिए चलते हैं। और थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है वीडियो बनाने में जो है, क्योंकि जो है रेट जो है ऊपर नीचे हो सकता है, तो चलते हैं लोकल में चलते हैं। वैसे तो लोकल सामान जो है आ ही रहा है आज, धनिया वगैरह तो आया हुआ नहीं है। और ये है लोकल, बोली ही हो रहा है 460 रुपया 460 रुपया
ये गया है 460 रुपए गया है। ये वाला जो टमाटर आज लगभग इसी के आसपास रहेगा, 450-450 के आसपास ही रहेगा टमाटर जो है। और ये गया है 460 रुपए गया है ये वाला टमाटर जो है। तो बने रही ये दिखाते हैं लोकल सामान 20 किलो 25 के वो 500। भाजी वगैरह तो दे रहे हैं 40 रुपए दे रहे हैं। और मूली पूछ लेते हैं क्या रेट दे रहे हैं। मूली क्या दे रहे हैं अभी आज रेट? 15 रुपए दे रहे हैं। और लाल भाजी भैया 40 रुपए किलो ये है, एक नंबर है 40 रुपए दे रहे हैं। और दो नंबर जो है वो दे रहे हैं 20 रुपए किलो दे रहे हैं। और ये परधनिया आया हुआ है देखते हैं। बोली 30 रुपया एक नंबर 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 3 छोटो 40 रुपया 22 रुपया 23 रुपया नवल गोल के 23, 1, 23, 2, 23 पंकज40 रुपए दे रहे हैं लोकल गोभी। ये गोभी जो है हरा गोभी जो है 70 रुपए दे रहे हैं किलो। ये जो है 2-3 आया हुआ है। और ये वाला दे रहे हैं 35 रुपए दे रहे हैं ये वाला गोभी जो है। और लोकल अभी आया हुआ है वो दे रहे हैं 40 रुपए दे रहे हैं भैया। 1 किलो ब्रोकली दे दो। प्रकाश भैया का है जो है और करीबन आएगा 15 किलो का आएगा वह आस पास है। अभी लोकल माल जो है आना स्टार्ट हो गया है रायपुर में। और भाटा आ रहा है, गोभी आ रहा है और मही भाटा भी आया हुआ है, सिंगी भाटा भी आया हुआ है। ये है गाड़ी जो है आगे करे जी है काला भाटा। वो 3 प्रकार का जो है आया हुआ है भाटा जो है। ये 55 रुपए गया है। धनिया जो है काफी ज्यादा महंगे है। 25 किलो गुड्डू भैया क्या रेट दे रहे हैं भैया आज? ब्रोकली जो 80 रुपए जा रहे हैं किलो। और कहाँ से हो भैया? माना बस्ती से ना लोकल। और ये है लोकल ब्रोकली जो है। और एक नंबर है भैया जो है माना बस्ती से है। और ये करीबन जो है 5-6 पन्नी आया हुआ था, अभी जो है बस इतना ही बस बचा हुआ है। और इधर जो है बोली चल रहा है भाटा का जो है वो दिखाते हैं। भाटा 27, 27, 27, 28, 30, 30, 30, 30 रुपया 30 सोनवानी 40 रुपया 45 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 रुपया 45
40 घर के खड़े मात्र होना पीनो जेकर बोली बोला दो माल 40 रुपया 45 दूर कैसी एक मेरे को टमाटर और आ गया धनिया जो है ये और आ गया है धनिया और देखते हैं वो क्या रेट जाएगा। और आया हुआ है टमाटर जो है लोकल टमाटर जो है और गाड़ी में आ रहा है छोटा गाड़ी में चढ़ा बोली हो रहा है टमाटर 55 रुपया
बोले श्याम 55 55 अशोक पूरा तो हेडवे हेडवे और ये लाल भाजी का हो रहा है भी बोली हो रहा है अभी एक नंबर है लाल भाजी देखते हैं क्या रेट जाएगा दोने देख के बोलो 25 रुपया 26 27 28 29 30 31 32 35 35 36 36 36 40 40 40 और ये बरबट्टी का हुआ बोली 41 रुपए गया है ये लाल भाजी का हो रहा है बोली अभी 36 37 39 40 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 और मेथी आया हुआ है मेथी देखते हैं वो कितना जाएगा बोली जो है 55 छोटू भारत और ये 55 रुपए कटा है मेथी और उस पर जाते हैं अभी देखते हैं आया हुआ है ट्रैक्टर आया हुआ है ट्रैक्टर में देखते हैं क्या सब्जी आया हुआ है और ये आ गया और सेमी आ गया है सादा सेमी भटा आ गया है और ग्रीन पोपट सेमी भी आया हुआ है अरे मूली का कर रहे हो सेमी खोल दिया है वाइट सेमी खोल दिया 60 रुपए खोल दिया है सीधा और भाटा वगैरह तो रीड जो है 40-45 जो है जा रहा है अभी यहाँ से चलेंगे और 60 रुपए सेमी मैडम रखते 10 किलो चलते हैं ट्रैक्टर में चलते हैं और देखते हैं ट्रैक्टर में जो है क्या आया हुआ है और उसमें जो है तीन सब्जी अधिकतर आता है वाइट भाटा आता है वाइट सेमी आता है और लौकी आता है तो देखते हैं और ये है अभी जस्ट जो है स्टार्ट हुआ है बरबट्टी भाटा आया हुआ है और सेमी आया हुआ है 150 170 170 180 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
भाटा देखेंगे क्या रेट कटेगा भाटा जो है। भाटा लो सेवी लो, भाटा लो सेवी लो। सेवी बीस छः भारत होगा बल्दे में मनोज बल बोलो आठ रुपये भाई बोल भाई बोलो भाई सेवी एक नंबर से तीस रुपया बीस रुपया बोलो भाई सेवी 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 पचास सेवी वाले सेवी वाले दो सौ रुपया दो सौ रुपया दो सौ रुपया पलट दो सौ टमाटर के हाँ दो सौ दो सौ रुपया दो सौ रुपया दो सौ बीस दो सौ बीस दो सौ पचास बोलो भाई दो सौ पचास तीन सौ आ जाओ भैया टमाटर में आ जाओ टमाटर में आ जाओ बोलो 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 तीन सौ पचास तीन सौ पचास दिल्ली दूर है वो बोलो बोलो तीन सौ पचास तीन सौ पचास बोलो नहीं यार लेना है तो छड़ी निकालता सर तीन सौ पचास उतार ऊंचा मुके सर सत्ताईस सत्ताईस दो सौ बोला छड़ी माल दो सौ पचास बोलना है
छर्री माल का है अभी जो बोली हो रहा है, का जो है बोली अभी 350 रुपए अटक गया है। दो सौ पचास छर्री जो है 250 रुपए का है। पैसा देगा उसको दूंगा मैं पैसा। बोलो भाई तीन सौ पचास 403। यहाँ जिधर भी देख पा रहे हैं पूरा खाली है मंडी आज। और ये अभी बोली होगा भिंडी, देखते हैं क्या रेट जाएगा। अभी तो बोली हुआ नहीं है। और ये धनिया आया हुआ था उसका जो है बोली हुआ है। पैंतालीस रुपया 50 रुपया 50 50 50 50 60 60 हो गए भिंडी जो है। ये अभी आया हुआ है, भेस आया हुआ है, कमल ककड़ी आया हुआ है, करमता भाजी आया हुआ है। देखते हैं वो क्या रेट कटेगा। अभी तो घुमाने के लिए ले जाएगा, उसके बाद जो है बोली होगा। 13 रुपया बोलो भाई 13 रुपया करमता भाजी। ₹14 और ये बोली हो रहा है। बीस रुपया बोला कका एक नंबर दे। ₹30 50 रुपए का मोटा ढेस जो है। और मिर्ची के बारे में पूछेंगे, मिर्ची तो ऐसे मंडी में अभी देखने को नहीं मिला है। और इनके पास जो है थोड़ा सा बस बचा हुआ है, ये भी खत्म होने वाला है। तो भैया से पूछते हैं क्या रेट है भैया आज मिर्ची जो है। 100 रुपए किलो भैया, 100 रुपए किलो है मंडी के अंदर जो है। और थोक में क्या था भैया? थोक में 80-90 रुपए दो रेट जो है खुला हुआ है। और ये जो है मिर्ची देख पा रहे होंगे, और कल तो शायद और ज़्यादा तंगी हो जाएगा मिर्ची का, क्योंकि बाहर से ही आता है अधिकतर जो मिर्ची जो है। और लोकल मिर्ची देखेंगे आएगा कि नहीं, कल देखते हैं। और मेरे साथ बने रहिए इसी तरह। और मैं अपना वीडियो जो है यहीं पे जो है एंड करता हूँ। और अगर हो सकता है तो और आगे वीडियो बनाएंगे और देखते हैं। तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए।